गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। अब इस योजना का लाभ महिलाओं को भी मिलना शुरू हो गया है। शुरुआत के दिनों में इस योजना का लाभ केवल महिला को केवल बच्ची के जन्म के आधार पर मिलता है, लेकिन अब इस योजना का लाभ दूसरा बच्चा अर्थात लड़की होने पर भी मिलेगा। आपको बता दें कि अगर बात बिहार के बेगूसराय जिले की हो तो कई इस योजना का लाभ लेने से कई महिलाएं वंचित रह जाती हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में योजना की जानकारी नहीं होने की वजह से जरूरतमंद महिलाओं तक यह योजना नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में आज हम आपको योजना की पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के बेगूसराय सदर अस्पताल से लेकर प्रखंड के अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है। सभी हेल्थ मैनेजर के ऊपर इसकी जानकारी होने की बात कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इस वजह से योजनाएं जरूरतमंद महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ आप अपनी नजदीकी आशा कर्मियों से मिलकर ले सकते हैं। आवेदन करने की न्यूनतम आयु 19 साल है और पात्र महिलाओं को योजना का लाभ गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण कराने के बाद एक बार प्रसव की जांच करेंगे तो 3000 की राशि मिलेगी। वहीं नवजात शिशु के जन्म पंजीकरण कराने पर 2000 रुपये दिए जाएंगे। इसी योजना में दूसरी बार जब मां बनने की बात कन्या शिशु जन्म लेगी तो 6000 एक किस्त में ही राशि दी जाएगी। ज्ञात हो कि पहले इस योजना का लाभ नहीं मिलता था। अगर आपके वार्षिक परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम, बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना का कार्ड होगा तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ आप घर बैठे ऑनलाइन pmmby.nic.in या फिर आप अपने आंगनवाड़ी सेंटर के आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क कर इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ ले सकते हैं।